नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं Redmi Y2 मोबाइल फोन की, जो कि अमेजन से हमने मंगाया है। ये देख लीजिए, और ये हमें सेल में मिला है 8,999 का, जबकि इसका MRP 3,500 है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये ब्रांड की बैजिंग है, ये सब। इसमें 16 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा है विद LED फ्लैश, और बैक कैमरा 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल है। AI पावर ड्यूल रियल कैमरा है, और 5.99 इंच की HD स्क्रीन है। एक्सपर्ट रेशो भी 18.9 है। स्नैपड्रैगन 625 है, 14 नैनोमीटर ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। चलिए देखते हैं, दोनों सिम 4G LTE ही हैं। देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिलता है। ये देखिए, सबसे पहले ये स्मार्टफोन है, जिसके ऊपर इसके खास फीचरों को लिखा गया है स्क्रीन पे। ये उतार सकते हैं, और ये बैक स्क्रीन है। इसमें डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट है, ये बहुत अच्छी चीज है। वरना आजकल तो हाइब्रिड स्लॉट आ रहे हैं, तो या तो आप दो सिम लगा सकते हैं या एक SD कार्ड। इसमें तीनों का ऑप्शन है, दो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड। दोनों सिम नैनो है। ये इसका ड्यूअल रियल कैमरा है, जो AI पावर ड्यूअल रियल कैमरा है, और इसकी लुक काफी कुछ Redmi Note 5 Pro से मिलती है। ये देख लीजिए, इसका कैमरा जो है सेल्फी फ्लैश के साथ है। ये कैमरा है, और ये इसका स्पीकर है, और ये नीचे एक स्पीकर और एक माइक्रोफोन होगा, क्योंकि डिजाइन बनाने के लिए दोनों जगह सेम इन्होंने ग्राफिक्स कर दिए गए हैं। ये इसका MM जैक है, ये माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट, ऊपर ये IR ब्लास्टर, जिससे आप किसी चीज का रिमोट बना सकते हैं, और ये 3.5 mm जैक, और यहां पर वॉल्यूम रॉकर्स और पावर ऑन ऑफ बटन है, और ये आपका डेडिकेटेड सिम स्लॉट और माइक्रो SD स्लॉट है। चलिए इसको और देखते हैं बॉक्स में क्या है। इसके अंदर एक ये बैक केस आया है, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं। इसकी क्वालिटी कुछ अच्छी नहीं है, बस ये है कि ये ट्रांसपेरेंट है, तो आपकी फोन की लुक को पूरा दिखाएगा। और आप देखिए, बिल्कुल ऐसे ही, अगर गिरा तो ये कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, मतलब शॉक एब्जॉर्बर तो नहीं है इतना, पर ये है कि जैसे नॉर्मल आप फोन अगर ऐसे नीचे रख देते हैं, या कहीं गंदी जगह है, कुछ हाथ गंदे हैं, तो आपके फोन को जरूर बचाएगा, पर ये शॉक एब्जॉर्बर नहीं है। मतलब कि आपको अगर थोड़ा सिक्योर करना है फोन को, तो आपको ये कवर चेंज करना ही पड़ेगा। बाकी फिनिशिंग फिटिंग अच्छी है, ये देख लीजिए, और ये कैमरा बम्प को कवर नहीं करता है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। ये देखिए, कैमरा बम्प ऊपर आ रहा है, तो अगर नीचे फोन रखेंगे तो आपका लेंस के ग्लास को स्क्रैच जरूर पड़ेंगे, तो ये किसी चीज के लिए फायदेमंद है ही नहीं। तो और मैं दिखा देता हूं कि क्या क्या है। ये चार्जर है इसका, और ये नॉर्मल USB केबल है। इसके अलावा इसमें ये दिया गया है पिन,
ताकि आप कार्ड निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आपको फोन एक बार बूट करके और दिखा देता हूँ कि कैसा इसका MIUI इंटरफेस है। ये इसकी स्क्रीन थी, इसको निकाल देते हैं। तो ये देखिए, इसका लुक काफी अच्छा है, काफी स्लिम फोन है। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। मैंने इसको थोड़ा बेसिक स्टार्टअप कर दिया है, तो एक होम स्क्रीन आ गई है। इसमें अभी जो करंट जो सॉफ्टवेयर इसमें आया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये MIUI 9.6 आया है। तो इसके बाद इसके अंदर एक और अपडेट आया हुआ है, ये देखिए, MIUI 10.0.5। तो इसके अंदर काफी अच्छे इम्प्रूवमेंट है, नेचुरल साउंड के लिए कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ अदर सेफ्टी फीचर्स हैं, कुछ सिस्टम रिलेटेड है, लॉक स्क्रीन, कैमरा, MIUI वगैरह। तो इससे काफी अच्छा फोन हो जाएगा, और ज्यादा मतलब कि आप इसको कस्टमाइज हो गया है, बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, कैमरा क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो मैंने इसको डाउनलोडिंग पे लगाया, देखिए 95% हो चुका है। तो ये जस्ट एक 9.6 का ओवरव्यू आप ले लीजिए कि कैसे इसके आइकन या होम स्क्रीन वगैरह जो आते हैं। मैं इसको एक बार बैक कैमरा भी एक बार फोटो क्लिक करके आपको बता देता हूँ कि कैसा है। ये देखिए, ये अभी इसकी पिक्चर आ रही है ऐसे, ये क्लिक कर रही है मैंने, ये देखिए ये फोटो है। तो कैमरा काफी अच्छा है, ये नाइट मोड में, ये असल में LED फ्लैश के, मैंने जिस फोन से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसका LED फ्लैश ऑन है, तो उसकी लाइट में इसने काफी अच्छी फोटो ली है। तो मतलब जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है, मतलब कि 10,000 के अप्रोक्स, ये काफी अच्छा कैमरा है, तो नो डाउट काफी अच्छा होगा, और डे लाइट में तो शायद और बेहतरीन पिक्चर आपको देगा। तो बाकी सब कुछ अच्छा है इसमें, काफी लाइट वेट है, यूजर UI काफी अच्छा है, बल्कि अब 10 के आने में शायद और भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, अच्छा फोन हो जाएगा। तो कुछ दिन यूज करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका बैटरी बैकअप कैसा है, क्योंकि इसकी बैटरी जो है वो Redmi Note 4 और Redmi Note 5 Pro से कम है। उनकी 4000 या 4100 mAh बैटरी आती है, इसकी 3000 है। तो बैटरी बैकअप उससे तो कम रहेगा, पर फिर भी फोन अच्छा है, मतलब 10,000 के रेट में काफी अच्छे स्पेसिफिकेशन। ये 4GB रैम और 64GB इंटरनल मेमोरी स्टोरेज के साथ आता है, और मुझे सेल में 8999 का मिला, जैसे मैंने आपको बताया है, सब कुछ ऑल डिस्काउंट और कैशबैक को जोड़ के। तो इतने रेट में इतना अच्छा फोन, इतनी बढ़िया स्क्रीन, कैमरा वगैरह सब कुछ अच्छा है, तो काफी बेहतरीन डील रहेगी, आप भी इसको ले सकते हैं। अगर आप कोई भी 10,000 तक का फोन लेना चाह रहे हैं, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए, मैं आपको कुछ दिन बाद आपको बताऊंगा कि ये फोन कैसा रहा, और कुछ अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपको बाद में बता दूंगा, अगर आपको कुछ अलग से इसमें बारे में जानना चाहते हैं तो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत थैंक यू।